हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड कैक पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा UPSC पेट के एग्ज़ाम के लिए आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस ली जा रही हैं। ये आपका छठा सेट है, छठ नंबर सा है। इससे पहले हमने 5 सेट किया हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चन किए हुए हैं, जो कि सभी जो आपके अगस्त महीने के करंट अफेयर्स थे। इस छठे सेट में जो कि आज का लास्ट सेट है, इसमें भी आपके अगस्त महीने का करंट अफेयर्स रहेगा। इसके बाद जो हम सेट करेंगे उसमें जुलाई महीने के करंट अफेयर्स होंगे। हालांकि आप जानते हैं पेट के एग्ज़ाम में आपका 10 मार्क्स जो है करंट अफेयर्स आता है, तो उसके लिए आपके लिए ए PDF जो है सफिशेंट रहेगी। साथ ही साथ इसके साथ आपको स्पीडी की बुक का जो डे टू डे करंट अफेयर्स होता है उसके भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, वो भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये 2 चीज़ कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पेट के एग्ज़ाम में इस 10 में से बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैं बता दूँ, पेट 21 में जिसमें मेरे 83 मार्क्स थे उसमें मैंने 10 में 10 स्कोर किया था करंट अफेयर्स में, और पेट 22 में मैंने 8 स्कोर किया था 10 में 10 में। पेट 22 का मेरा जो स्कोर कार्ड है वो 88 मार्क्स है, जो कि 99.97% है। खैर, ये सब छोड़ते हुए हम आगे करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना राज्य भर के 31,000 स्कूलों पर विस्तारित हुई, जिससे 17 लाख छात्र जो हैं लाभान्वित हुए। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है ये आपका चलाया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा, इससे 31,000 स्कूल जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं, और अगर छात्रों की बात करें तो उनकी संख्या 17 लाख है। सेकेंड क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में निम्न से किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो यहाँ पे भारत को निलंबित कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक की संख्या बहुत ही कम रहती है जिससे हमारा मनोबल कम रहता है, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रोफेसर कलिमपुंडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? और जो प्रोफेसर कलिमपुंडी राधाकृष्ण राव थे ये सांख्यिकी के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका दास व्यापार के लिए जो मनाया जाता है ये 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ एक और बात, 23 अगस्त को आपका दास व्यापार के लिए है, 20 अगस्त को आपका सद्भावना दिवस मनाया जाता है, और 21 अगस्त को आपका आतंकवाद के पीड़ितों की याद के लिए उनकी श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस UN के द्वारा मनाया जाता है। और हाँ, ये जो दास व्यापार वाला दिवस मनाया जा रहा है ये भी आपका UN के द्वारा ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस के द्वारा दिया गया है। आपको जानकारी होगी कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस गए हुए थे, तब उनको ये पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 106 है, किस राज्य के पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन गई है? तो SECL की पेलमा खदान कोयला जो है ये आपका पहली खुली खदान बन गया है, और किस राज्य में है आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओ यहाँ पे 106 दोबारा हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 रहना चाहिए यहाँ पे, हालांकि चलिए इसको छोड़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है आसाम ने, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी PDF जो है आप हमारे पेड कोर्स से ज्वाइन कर पा सकते हैं। हमारी पेड कोर्स जो है 99 रुपये की है, जो कि इस समय आपको 90 रुपये में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का जो है PDF प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके आपके वीडियोज़ भी मिलते हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ की सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको हर एक टॉपिक का जो है MCQ के माध्यम से प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे अभी वर्तमान में आपका आज मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सबको बहुत ही फायदा होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से किस देश के FDA ने शिशुओं की सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के उपयोग के लिए पहली रेस्पिरेटरी
सिंगेटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दिया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोप में निर्बाध रूप से घूमने के लिए एक्सिस रेल के साथ किसने साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया और एक्सिस रेल के साथ हुआ है यूरोप में निर्बाध रूप से यात्रा करने के लिए। नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में। इस वीडियो के बाद हम आपको स्पीडी की बुक से, जी हाँ स्पीडी की बुक से जो डे टू डे करंट अफेयर्स होते हैं उसको कवर कराएंगे। और आप ये दोनों चीज़ें अगर कर लेते हैं तो आपके अगस्त के जो करंट अफेयर्स है ये कवर हो जाएगी। ऐसे ही हम मई तक के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे भी सब्सक्राइब करने के पैसे लगते नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल ने जो है फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ समझौता किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है? आपको जानकारी होगी NCERT द्वारा अपनी बुक से कई सारे चैप्टर्स जो है ये निकाले गए थे, जिसमें आपका मुगल काल और भी कई सारे चैप्टर्स थे, और वो इसलिए निकाले गए थे ताकि उनकी पुनरावृत्ति बहुत बार हो रही थी तो उनको हटा के कुछ और उसमें एड किया जा रहा था। तो उन जो चीज़ें हटाई गई हैं उनके लिए आपकी जो जो आपकी सरकार है वो तमिलनाडु की सरकार है, माफ कीजिएगा केरल की सरकार है, ठीक है, इन्होंने अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है जो चीज़ें NCERT द्वारा हटाई गई हैं उनके लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दी है? तो ये सरकार है आपकी उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आज के इस वीडियो में बस 16 क्वेश्चन ही है। कारण यह है कि टोटल आपके 116 क्वेश्चन ही अगस्त महीने से इम्पोर्टेंट लगे। इसके अतिरिक्त आपको स्पीडी की जो बुक है उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए, वहाँ से आपकी काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी तैयार। बाकी मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।